नमस्कार दोस्तों जीके अर्जुन सर के चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है बिहार शिक्षक भर्ती ट्री थ्री पॉइंट शून्य में टीजीटी टी प्लस पीजीटी इतिहास का ये प्रैक्टिस सेट अट्ठाइस है तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं तो ये आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चन है इसमें और ये प्रैक्टिस सेट 28 है से। पिछला प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो बी एग्जाम के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पर और उस पर आप लोग जाकर बी के जो है प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी आप लोग देख सकते हैं प्लस प्रैक्टिस सेट भी आप लोग देख सकते हैं तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं तो यहां पर लेते हैं पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने निम्नलिखित में से किसने ओरु जाति ओरु मातम ओरु दैवम मनुष्यानु यानी मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर की विचारधारा की वकालत की थी तो किसके द्वारा वकालत की गई थी मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर यहां पर देखिए ऑप्शन दिया है केशव चंद्र सेन स्वामी श्रद्धानंद नारायण गुरु या बिरसा मुंडा तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका सी नारायण गुरु तो नारायण गुरु जो है मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म ईश्वर की विचारधारा की वकालत की थी तो सी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दो पर आते हैं आर जी भंडारकर किस सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे आर जी भंडारकर किस सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे थियोसोफिकल सोसाइटी प्रार्थना समाज ब्रह्म समाज या आर्य समाज तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी प्रार्थना समाज के तो किस के लोकप्रिय नेता अगर पूछता है तो प्रार्थना समाज के और प्रार्थना समाज के अगर स्थापना की बात करें तो ये हुआ था कब अठारह सौ सड़सठ ईस्वी में कहाँ पर हुआ था प्रार्थना समाज तो बम्बई इस समय इसका नाम है मुंबई पहले इसका नाम था बम्बई में और संस्थापक अगर पूछता है तो एमजी जी रनाडे आत्माराम पांडुरंग थे और इसमें इनका भी नाम आता है आर जी भंडारकर का भी तो यहाँ पर आंसर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीन पर आते हैं भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य थे तो संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य का नाम पूछा जा रहा है कौन थे देवेंद्र नाथ टैगोर केशवचंद्र सेन राजाराम मोहन राय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी चंद्र विद्यासागर थे चंद्र विद्यासागर और अगर देखा जाए तो ये सरकार के सहयोग के थे 1856 में एक विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाया गया था इनके सहयोग से ही क्वेश्चन नंबर चार पर आते हैं 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया भीमराव अंबेडकर, एनिवेसेंट महात्मा गांधी या महादेव गोविंद रनाडे उन्नीस में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए भीमराव अंबेडकर के द्वारा तो ये प्रवेश का जो है और कुएं से पानी पीने की अनुमति मिल गई थी इसमें निचली जाति को खासकर क्वेश्चन नंबर पांच पर आते हैं पांचवा नंबर देखिएगा पाँच नंबर है दिया है निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना एमजी जी रनाडे और जीवी जोशी द्वारा की गई थी अभिनव भारत पूना सार्वजनिक सभा या द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका भी पूना सार्वजनिक सभा की तो पूना सार्वजनिक सभा की अगर बात करते हैं कब स्थापना हुई तो याद रखिएगा इसका डेट है अठारह ईस्वी में क्वेश्चन नंबर पांच छठे नंबर पर आते हैं क्वेश्चन नंबर छह देखिएगा दिया है विधवा पुनर्विवाह संघ अठारह के संस्थापक कौन थे विधवा पुनर्विवाह संघ अठारह के संस्थापक कौन थे राजा राम मोहन राय आरजी भंडारकर आत्माराम पांडुरंग या महादेव गोविंद रनाडे तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी महादेव गोविंद रनाडे महादेव गोविंद रनाडे विधवा विवाह पुनर् विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना भी किए थे एमजी रनाडे और इनको जो है महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है ये भी याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर सात पर आते हैं सातवां नंबर देखिएगा धर्म सभा के संस्थापना या संस्थापक कौन थे धर्म सभा के संस्थापक कौन थे राधाकांत देव दबो दादोबा पांडुरंग या आरजी भंडारकर या राजा राम मोहन राय तो धर्म सभा के अगर पूछता है संस्थापक कौन थे तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ए राधाकांत देव किसके थे राधाकांत देव हाँ राजा राम मोहन राय ने जो है आत्मीय सभा की स्थापना की थी आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने और प्रार्थना समाज में अभी बताएं ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे या स्थापना किए थे उसमें थे आरजी भंडारकर और ज्ञान प्रसारक सभा ये दादोबा पांडुरंग ने किया था ज्ञान प्रसारक सभा के और राधाकांत देव धर्म सभा के तो याद रखिएगा इसमें क्वेश्चन नंबर आते हैं आठवें नंबर पर आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने की थी आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर राजा राम मोहन राय केशव चंद्र सेन या दयानंद सरस्वती तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए देवेंद्र टैगोर देवेंद्रनाथ टैगोर हाँ कब किए थे अगर पूछता है तो याद रखिएगा इसका डेट है अठारह में कहाँ पर किया गया था तत्वबोधनी सभा का तो उस समय नाम था कलकत्ता इस समय नाम है इसका कोलकाता तो उस समय नाम था कलकत्ता में अठारह में देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधनी सभा की स्थापना की थी इसके अलावा राजा राम मोहन राय की अगर बात करें तो ये स्थापना किए थे ब्रह्म समाज की 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की ये भी कलकत्ता में स्थापना किए थे और केशव चंद्र सेन की अगर बात करें तो ये वेद समाज की स्थापना किए थे केशव चंद्र सेन मद्रास में अठारह में और दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के स्थापना किए थे 1875 में बंबई में क्वेश्चन नंबर नौ पर आते हैं नौवा नंबर देखिएगा क्वेश्चन ज्योतिबा फुले ने मे सत्य शोधक समाज यानी सत्य साधक समाज भी इसको बोलते हैं की स्थापना की थी तो ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की थी ये पूछा जा रहा है यहां पर अठारह सौ अंठानवे अठारह सौ या तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी अठारह ईस्वी में कहाँ पर अगर पूछेंगी सत्य शोधक समाज की स्थापना कहाँ पर की गई थी पुणे में पुणे कहाँ पर है याद रखिएगा महाराष्ट्र में तो यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर सही क्वेश्चन नंबर दस पर आते हैं सन अठारह में केशव चंद्र सेन ने आत्माराम राम पांडू रंग को प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता की थी तो कहां पर सहायता की थी यह पूछा जा रहा है यहां पर पूना में बॉम्बे में कलकत्ता में या चेन्नई में तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका बी बॉम्बे में कहां पर की थी सहायता तो बॉम्बे में क्वेश्चन नंबर ग्यारह पर आते हैं ग्यारह नंबर देखिएगा सत्रह सौ चौरासी ईस्वी में किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स लॉर्ड बेले डलहौजी, लॉर्ड मिंटो प्रथम या सर जॉन सोर। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सत्रह सौ चौरासी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए सर विलियम जोन्स सर विलियम जोन्स ने जो है ये स्थापना की थी प्राचीन भारतीय संस्कृति के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण प्रयास था इनका क्वेश्चन नंबर बारह पर आते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे तो यहाँ पर दिया है राजा राम मोहन राय पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर ज्योतिबा फुले या भारतेंदु हरिश्चंद्र तो यहाँ पर आंसर डी वाला सही हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है सामाजिक और धार्मिक सुधार के सक्रियता में नहीं जुड़े थे तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश चंद्र तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर बात करें तो ये जो है हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते थे या हिंदी से संबंधित थे ये क्वेश्चन नंबर तेरह पर आते हैं तेरह नंबर देखिएगा निम्नलिखित हस्तियों में से कौन प्रार्थना समाज से संबंध नहीं थे यहां पर ध्यान दीजिएगा नहीं पूछा है चंद्र विद्यासागर आत्माराम पांडुरंग एम जी सॉरी एम आर जी भंडाकर या एम जी रनाडे तो यहां पर आंसर हो जाएगा ए चंद्र विद्यासागर जो है प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं थे तो याद रखिएगा चंद्र विद्यासागर अगला क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर चौदह है निम्नलिखित में से किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने सरोजनी नायडू या गोपीनाथ बारदोलई या रमाबाई रनाडे तो यहां पर आंसर आपका ये सही हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना अगर पूछता है कहां पर की थी तो ये बनारस इसका आंसर हो जाएगा बनारस में की थी कब की थी तो उन्नीस सौ पाँच ईस्वी में क्वेश्चन नंबर पंद्रह पर आते हैं पंद्रह नंबर देखिएगा ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अन्य तीन संगठनों की तुलना में पहले स्थापित किया गया था दिया है प्रार्थना समाज सत्यशोधक समाज परम हंस मंडली या ब्रह्म समाज तो इसमें से सबसे पहले स्थापित पूछ रहा है कौन है तो इसमें डेट आपका सभी याद रहेगा तभी आप जो है लगा सकते हैं तो चलिए प्रार्थना समाज का देखते हैं अठारह सौ सड़सठ ईस्वी में हुआ था इसका स्थापना सत्य शोधक अगर समाज की बात करें तो अठारह सौ तिहत्तर में हुआ था अठारह सौ तिहत्तर में परमहंस मंडली की अगर बात करें तो अठारह सौ उनचास में हुआ था और ब्रह्म समाज की अगर बात करते हैं तो ये अठारह सौ अट्ठाईस में हुआ था इससे आप निकाल सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा संगठन स्थापित हुआ था तो यहां पर आंसर जो होने वाला है वह है आपका डी ब्रह्म समाज डी इसका राइट आंसर हो अठारह सो में क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं 16 नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 है प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे एम जी रनाडे आर सी भंडारकर आत्माराम पांडुरंग या ज्योतिबा फूले तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका सी आत्माराम पांडुरंग आत्माराम पांडु रंग क्वेश्चन नंबर सत्रह पर आते हैं सत्रह नंबर देखिएगा दिया है कि उस समय ब्रिटिश भारत का उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित हुई थी या की गई थी वारन एस्टिंग लॉर्ड कर्नवालिस लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड वेलिस तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय सती प्रथा को अवैध और दंडनीय घोषित किया गया था और कब किया गया था अगर पूछता है तो अठारह याद रखिएगा डेट अठारह बंगाल सती रेगुलेशन पास किया गया था चार दिसंबर एग्जैक्ट अगर डेट चाहते हैं तो चार दिसंबर अठारह को क्वेश्चन नंबर हैं महारानी विक्टोरिया उद्घोषणा ने कब स्पष्ट किया कि भारत राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट के नाम पर शासित होगा 16 जनवरी अठारह को या 23 जुलाई अठारह या 1 नवंबर अठारह या 12 जून अठारह को तो महारानी विक्टोरिया ने कब घोषणा की स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी थी कि भारत का जो राज सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट जो है के नाम से शासन होगा तो यह घोषणा की गई थी एक नवंबर अठारह को एक नवंबर अठारह को और यह घोषणा अठारह के विद्रोह समाप्त होने के बाद की गई थी तो अंठावन में यह की गई थी क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं 19 नंबर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे शिशिर कुमार घोष दादा भाई नरोजी सुरेंद्रनाथ बनर्जी या महादेव गोविंद रनाडे तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है 26 जुलाई अठारह में इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे या स्थापना किए थे क्वेश्चन नंबर बीस पर आते हैं बीसवा नंबर देखिएगा क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन उन्नीस सौ पंद्रह के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे दिया है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा भूपेंद्र नाथ बोस अंबिका चरण मजूमदार या मदन मोहन मालवी तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बने थे तो उन्नीस सौ पंद्रह का अधिवेशन हुआ था ये अधिवेशन अगर पूछेगा कहां पर हुआ था उन्नीस सौ पंद्रह वाला अधिवेशन तो मुंबई याद रखिएगा मुंबई या बम्बई में क्वेश्चन नंबर इक्कीस पर आते हैं इक्कीस नंबर देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी आसफ अली सरोजनी नायडू एनिवेसेंट या उषा मेहता तो यहां पर आंसर हो जाएगा प्रथम पूछा है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है तो सी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एनी वेसेंट एनी बेसेंट जो है 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कहाँ की की थी कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1917 में तो कांग्रेस की प्रथम महिला अगर पूछता है तो एनी वेसेंट है जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की अधियोग थी अगर यहीं पर भारतीय शब्द लगा देता तो सरोजिनी नायडू हो जाता सरोजनी नायडू भारतीय शब्द अगर लगाता तो कानपुर के अधिवेशन की थी उन्नीस में तो यहाँ भारतीय शब्द नहीं जुड़ा है प्रथम केवल महिला जुड़ा है तो एनिवेशेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बाईस पर आते हैं बाईस नंबर देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन में आयोजित है कहाँ पर पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था कलकत्ता में बंबई में लाहौर में या सूरत में तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका बी बंबई में कहां पर हुआ था बंबई में कब हुआ था तो अठारह याद रखिएगा अठारह में बंबई में या बॉम्बे में, में बनर्जी इसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे डब्लू सी बनर्जी शॉर्ट में इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर तेईस है और अंतिम क्वेश्चन है आज के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमति बनी थी तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमति बनी थी इलाहाबाद लखनऊ बम्बई या दिल्ली तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी लखनऊ में कहाँ पर बनी थी लखनऊ में तो इसको जो है लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है और ये समझौता कब हुआ था तो 1916 याद रखिएगा 19... सोलह में तो ये थे क्वेश्चन आज के लिए तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें धन्यवाद दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम